हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है एनाल कैनाल। और जो एनाल कैनाल जो है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। मेनली इस पे क्या आपका एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है। तो आज अपन पूरा इस एनाल कैनाल का कंसेप्ट जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके क्या क्या रिलेशन है, उसके बाद इसके जो इंटरनल फीचर जो होते हैं ना वो क्या क्या है। मेनली क्या होता है एनाल कैनाल पर, जो शॉर्ट नोट जो होता है ना वो इसके इंटरनल फीचर पर ही आ जाता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो एनाल जो कैनाल है उसका अगर अपन हम क्रॉस सेक्शन काटें तो उसका आपको अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। तो उसकी जो इन्फीरियर सरफेस जो होती है एनाल कैनाल की, अपन तीन पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। एक अपर पार्ट या पूरा जो देख रहे हो ये है अपर पार्ट, देन फिर मिडल पार्ट, फिर एक नीचे लोअर पार्ट। अब जो तीनों पार्ट जो हैं एनाल कैनाल के, इसके ऊपर एक सेपरेट यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट इंटरनल फीचर ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ एनाल कैनाल। तो आज अपन पूरे के पूरे एनाल कैनाल को जानेंगे, देन फिर अपन इसके इंटरनल फीचर जो होते हैं ना इस तीनों पार्ट के, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। फिर मैं आपको क्या मेरे यूनिवर्स नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको ना बिल्कुल ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेरा मेन मोटो यही रहता है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरी वीडियो देखो, फिर आप डायरेक्ट क्या यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम आप लिख दो, आपको क्या ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसमें अपर लिम, लोअर लिम और थोरैक्स में पहले ही उसकी सारी वीडियो, सारे टॉपिक्स मैंने उसमें पहले ही कवर करे हैं, और उसको मैंने आपको यूनिवर्सिटी के नोट्स भी प्रोवाइड में करवा चुका हूँ। तो आज अपन सबसे पहले देखते हैं इस एनाल कैनाल के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन देखें ये जो एनाल कैनाल जो है, इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखते हैं कुछ, कि सबसे पहले ये क्या है, ये अपना टर्मिनल पार्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का। मतलब ये कि जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले सीकम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। अब जो रेक्टम जो है उसका जो लोअर मोस्ट पार्ट जो रहता है ना, उसी को अपन बोलते हैं एनाल कैनाल। तो एनाल कैनाल आपका टर्मिनल पार्ट है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का, ये अपन को पता है। फिर कहाँ पे होता है, ये आपका लाई करता है एनाल ट्रायंगल में। इसको समझाने के लिए मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ। अगर यार आपने मेरी पेरेनियल मेम्ब्रेन की वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लीजिए, वो मेरी सबसे पहली वीडियो थी पेल्विस पे। और क्या होता है, ये जो पेरेनियल मेम्ब्रेन जो रहती है ये आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अगर इसका आपको कंसेप्ट पता है ना तो सारे पेल्विस के टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसलिए अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आपको लिंक आई बटन पे है, आप वो वीडियो देख लीजिए और फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेनली क्या रहता है यार, मैं तुम बहुत बार बता चुका हूँ, अगर तुम एनाटॉमी को पढ़ रहे हो ना तो उसको रटने के बजाय जितना तुम उसको कंसेप्चुअल पढ़ोगे, जितना तुम कंसेप्ट बनाओगे, भले ही उसके लिए क्या तुम्हें थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़े, दो तीन वीडियो ज़्यादा देखनी पड़े, तुम देखो, लेकिन एनाटॉमी को रटो मत, इसको क्या तुम डीप में पढ़ो। उसके कारण क्या होगा, तुम्हारे सारे कंसेप्ट जो है ना वो बिल्कुल फिंगर टेस्ट पर हो जाएंगी। क्योंकि यार एनाटॉमी के ही कंसेप्ट तुम्हें आगे यूज़ होंगे, जब तुम सर्जरी वगैरह में करोगे तुम सब में इसी के कंसेप्ट ही यूज़ होते हैं। इसलिए तुम मेनली क्या चीज़ों को समझो। तो अगर तुम्हें पेरेनियल मेम्ब्रेन की वीडियो तुम मेरी देख चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि ये क्या है, ये है अपना इन्फीरियर सर्फेस अपने पेल्विक बोन का। उसके इंटीरियर में ये आपको जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, अभी अपने फीमेल का डायग्राम देख रहे हैं तो मेम्ब्रेन दिख रही है ना ये वाली, इसी को अपन बोलते हैं पेरिनियल मेम्ब्रेन। और उसके नीचे वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा ये एनस। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो मैंने आपको उसकी पहली वीडियो में बताया था कि ये जो इन्फीरियर सर्फेस जो होता है पेल्विस का, उसको अपन क्या करते हैं दो ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं। ये जो इंटीरियर ट्राइंगल है जिसके अंदर पेरिनियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं यूरियोजेनाइटियल ट्राइंगल। देन जो लोअर ट्राइंगल है जो कि मैं ब्लू से बता रहा हूँ आपको, उसको अपन बोलते हैं एनाल ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपकी एनाल ओपनिंग। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जो है ये है अपनी एनाल ओपनिंग। तो अपनी एनस कहाँ पे रहती है, अपनी एनस जो है अपनी रहती है एनाल ट्राइंगल में, ठीक है। और उसके दोनों तरफ क्या होता है, होता है इश्योरेक्टल फोसा। अगर आपने मेरी इश्यो एनाल फोसा की भी वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, एनस के दोनों तरफ आपको हल्का सा फोसा तरीके का दिख रहा होगा, इसके दोनों तरफ क्या होता है एक फोसा होता है, उसको अपन बोलते हैं इश्यो एनाल फोसा। अगर मैं उसको इस सेक्शन में कट करूँ, ये पूरे डायग्राम को ये वाला सेक्शन में, तो आपको फिर ये वाला डायग्राम मिलेगा। मैंने अगर इस सेक्शन में कट करता हूँ ना, जब मैं कोरोनल सेक्शन में, तो आपको ये वाला डायग्राम मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये है आपका पूरा एनाल, दोनों तरफ क्या है, ये है आपका इश्योरेक्टल फोसा। मेनली क्या होता है, फैट भरा हुआ रहता है, तो दोनों तरफ आपका है इश्योरेक्टल फोसा। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हो उस डायग्राम में, ये जो एनाल जो है ये किससे सराउंड है, ये आपके सराउंड है एक मसल से, उसको अपन बोलते हैं स्पेंटर, एनाल का स्पेंटर। तो आप पूरा आप देख पा रहे हो सर्कुलर एनाल के स्पेंटर है।
तो यहाँ पे जो है यही लिखा है कि एनाल कैनाल लाया क्या करेगा, आपका लाया करेगा एनाल ट्राइंगल में बिटवीन टू इश्योरेक्टल फोसा। और यार अगर तुम देख पा रहे हो, मैं तुम्हें क्या ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल डायग्राम 3D मॉडल में ही समझाता हूँ ताकि तुम्हें हर चीज़ के अच्छे से इमेजिन हो। मेरा एक ही मोटो है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें पढ़ा पाऊँ, अच्छे से तुम्हें इमेजिन करवा पाऊँ। मैं मेरा पूरा बेस्ट करता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो अपन कहाँ थे, ये आपका लाया करता है एनाल ट्राइंगल में बिटवीन इश्यो एनाल फोसा में। उसके बाद ये कहाँ से एक्सटेंड करता है, ये आपका एक्सटेंड करता है फ्रॉम एनो रेक्टल जंक्शन, मतलब ये वाला जो जंक्शन होता है ना जहाँ से रेक्टम है, रेक्टम जहाँ से कंटिन्यू हो रहा है एनाल में, उसको बोलते हैं एनो रेक्टल जंक्शन। तो ये एनो रेक्टल जंक्शन से आपके एनाल ओपनिंग तक आपका एक्सटेंड करता है। उसके बाद ये किससे सराउंड है, मैंने आपको बताया था इसके अंदर एक स्पेंटर मसल से ये सराउंड होता है। अब जो स्पेंटर मसल भी जो है वो आपकी दो पार्ट की होती हैं, एक आउटर और एक इनर। अगर आप इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि जो अंदर वाली जो मसल है ना, इसको अपन बोलते हैं इनर स्पेंटर मसल और ये है आपकी आउटर स्पेंटर मसल। अब जो इनर स्पेंटर मसल जो है, आप अच्छे से याद कर लो, ये जो होती है ये आपकी होती है इनवॉलेंट्री। यहाँ पे भी लिखा है मैंने, जो इनर वाली है वो है इनवॉलेंट्री। इसको याद करने के लिए तुम क्या करो, ये आई से आई पकड़ लो, मतलब अंदर वाला आपका होता है इनवॉलेंट्री, इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आउटर वाला जो होता है ना, ये आपका होता है वॉलेंट्री। तो जो इंटरनल एनाल स्पिंटर है वो है इनवॉलेंट्री और आउटर एनाल स्पिंटर आपका होता है वॉलेंट्री। अब इसको नाम है रिलेशन बताने से पहले मैं आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो एनाल कैनाल है इसको अपन तीन पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को, और इस तीनों पार्ट को जो है ना अपन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइनिंग ऑफ एपिथीलियम उसके हिसाब से अपन डिवाइड करते हैं। मतलब इसकी क्या एपिथीलियम की लाइनिंग है इसके अंदर वाले पार्ट में, उसके हिसाब से अपन ने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा है। ये जो अपर वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ से एनाल जंक्शन से लेकर यहाँ तक, ये है इसका अपर पार्ट। अब अपर पार्ट की जो लाइनिंग होती है, जो एपिथीलियम जो उसको लाइन करती है, वो आपकी रहती है कॉलमनर एपिथीलियम। और आपको क्या मेनली यार यही याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको सारी एपिथीलियम याद करनी है इसके पार्ट्स की। तो इसका अपर वाला पार्ट जो है वो आपकी होती है कॉलमनर एपिथीलियम। जो रेक्टम है ना, जो रेक्टम के एपिथीलियम भी अपनी कॉलमनर रहती है, वही आपकी एज इट इज में कंटिन्यू हो जाती है। देन मिडल वाले पार्ट में बनाए तो मिडल वाले पार्ट की जो एपिथीलियम है वो है आपकी नॉन कैरेटिनाइज सेक्यूमोनस एपिथीलियम, ठीक है। और जो लास्ट वाला पार्ट है, लोअर वाला पार्ट, उसकी होती है कैरेटिनाइज सेक्यूमोनस एपिथीलियम। मतलब जो अपने स्किन की एपिथीलियम है वो कौन सी एपिथीलियम है, वो है अपनी कैरेटिनाइज सेक्यूमोनस एपिथीलियम। तो उसका जो लास्ट वाला पार्ट रहता है, लोअर वाला पार्ट, उसकी एपिथीलियम आपकी बिल्कुल ट्रू स्किन जैसी ही होती है। तो मैं आपको फिर से बताऊँ, सबसे अपर पार्ट की एपिथीलियम होगी आपकी कॉलमनर एपिथीलियम, देन मिडल पार्ट की आपकी एपिथीलियम होगी नॉन कैरेटिनाइज सेक्यूमोनस एपिथीलियम, देन लोअर मोस्ट पार्ट के आपके एपिथीलियम को अपन बोलेंगे कैरेटिनाइज सेक्यूमोनस एपिथीलियम। देन अब मैं क्या इसके आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताता हूँ जो आपको याद करने हैं, कि जो अपर पार्ट जो है, एक्चुअली में अगर तुम देखो अपर पार्ट में आपको ऐसे कॉलम दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं, इसको अपन बोलते हैं एनाल कॉलम। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना कि एनाल कॉलम कहाँ होते हैं, आपके अपर वाले पार्ट में आपके होते हैं एनाल कॉलम। देन एनाल कॉलम ये लोअर में आपको दिख रहे होंगे ज्वाइन हो रहे हैं, ये आपके एनाल कॉलम, यानी लोअर में क्या ज्वाइन हो रहे हैं, उसको अपन बोलेंगे एनाल वॉल्स, ठीक है। मतलब कि जो एनाल कॉलम जो है वो लोअर में आपका जो है एक फोल्ड हो जाते हैं, और उसी फोल्ड को अपन बोलते हैं एनाल वॉल्व। अब इस एनाल कॉलम्स के कारण यहाँ पे आपको कुछ के दिख रहे होंगे, हल्की सी कैविटी दिख रही होगी, साइनस दिख रहा होगा, तो उसका नाम क्या कर देंगे अपन, कर देंगे एनाल साइनस। तो यार बहुत ईजी है, अगर तुम चीज़ों को रटने की बजाय अगर उसको समझते हो और अगर तुम इमेजिन कर लेते हो, अगर तुम्हें पूरा डायग्राम अच्छे से इमेजिन है ना, तो मैं पूरा का पूरा तुम एज इट इज का लिख के आ सकते हो कि अपर पार्ट में क्या होता है। सबसे पहले इसकी कॉलमनर एपिथीलियम है, उसके बाद इसके अंदर आपको देखेंगे एनाल कॉलम। एनाल कॉलम जिस फोल्ड से जुड़ रहे हैं वो है आपके एनाल वॉल्व, और एनाल कॉलम के कारण यहाँ पर एक साइनस बन रहा है, वो है आपका एनाल साइनस। तो बहुत ईजी है ये। देन अगर आप यहाँ पर देखो, ये जो एनाल वॉल्व जो है उसके कारण यहाँ पे एक लाइन बन रही होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना अपन को, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रांसवर्स लाइन बन रही होगी आपकी, एक ये बन रही है, ये मैंने इसको ब्लैक से डोनेट है, इसको अपन बोलते हैं पेक्टिनेट
लाइन, तो आप अच्छे से याद कर लेना कि जो एनाल वॉल्व है वो टुगेदर, सारे के सारे एनाल वॉल्व जो टुगेदर होके आपके बनाते हैं ट्रांसवर्स लाइन, उसको अपन बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। तो ये अपन ने जो थे अपर पार्ट के स्ट्रक्चर देख लिए कैरेक्टरिस्टिक वाले। देन मिडिल पार्ट में क्या होता है, मिडिल पार्ट में सबसे पहले इसकी एपिथिलियम आपकी नॉन कैरेटिनाइज सेक्यूमोनस एपिथिलियम है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको कोई भी एनाल कॉलम नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। देन एक्चुअली में इसमें क्या होता है, इसकी जो म्यूकस एपिथिलियम है, मतलब कि जो इसकी जो सेक्यूमोनस एपिथिलियम जो है वो आपकी म्यूकस एपिथिलियम भी है। तो इसकी जो म्यूकस एपिथिलियम है वो हल्की सी क्या ब्लू कलर की होती है, ब्लू अपीयरेंस उसका होता है अपर पार्ट में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, डीप वीनस प्लेक्सेस प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा मिडल वाला पार्ट, इसको अपन जो है ना पेक्टिन या फिर ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं। तो अच्छे से याद कर लेना कि ये जो एनाल वॉल्व है उसके कारण जो लाइन बन रही है उसको अपन बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन, और ये पूरा ये मिडल पार्ट के पूरे एरिया को ही अपन बोलते हैं पेक्टिन, अपन इसके पूरे पार्ट पर अपन बोलते हैं पेक्टिन जोन। मैं आप लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं पेक्टिन जोन, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। देन अब क्या होता है, ये जो पेक्टिन जोन है इसके लोअर वाले पार्ट में ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को अपन बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। ये आपको बिल्कुल याद करना है, इसको बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। अगर मैं आपको ये वाला डायग्राम दिखाऊं तो आपको इसमें क्लियरली दिख पा रहा होगा ये जो लाइन है ये हल्की सी क्या है आपकी वाइटनेस ऑफ अपीयरेंस है इस लाइन में, इसलिए इस लाइन को अपन बोलते हैं ये वाली, इसको बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। तो यहाँ पे आपकी आती है वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, और ये वॉल्व के कारण जो लाइन बन रही है वो है आपकी पेक्टिनेट लाइन, ओके। तो ये मैंने आपको इसका मिडल वाले पार्ट के भी स्ट्रक्चर आपको बता दिए। और फिर ये अपन लोअर वाले पार्ट में देखें तो लोअर वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। जो लोअर वाला पार्ट है उसकी एपिथिलियम होती है आपकी कैरेटिनाइज सेक्यूमोनस एपिथिलियम, जो कि आपकी ट्रू एपिथिलियम। तो ये मैंने पूरा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। देन इसको अपन फर्दर और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके देखें रिलेशन, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले सारे पॉइंट बता दिए थे। देन अपन देखते इसके रिलेशन कि जो एनाल कैनाल जो है ये कैसे आपका प्रेजेंट है, किस किस से आपका रिलेशन बनाता है। तो उसको दिखाने के लिए मैं आपको फिर से ये वाला डायग्राम दिखाता हूँ, तो आपको इसमें क्लियर सारे हो जाएंगे रिलेशन। ये अपर मेल का है, नीचे फीमेल का है। तो अगर आप देखें ये एनाल कैनाल है, इसके इंटीरियर में दोनों सेक्स में क्या प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है पेरेनियल बॉडी। अगर आप यहाँ पे देखो मैंने ब्लू से बनाई है, इसको अपन बोलते हैं पेरेनियल बॉडी। तो एनाल कैनाल के इंटीरियर में यह है आपका इंटीरियर वाला पार्ट, यह पोस्टीरियर। तो एनाल कैनाल के इंटीरियर में दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट है आपका पेरेनियल बॉडी। देन फिर मेल में क्या प्रेजेंट है, मेल में आपका प्रेजेंट है आपका पूरा पेनिस। पेनिस है क्या, बल्ब ऑफ पेनिस और उसका यूरेथ्रा। तो आप क्या अगर इसको ना रटते, अगर मैं तुम्हें डायग्राम नहीं दिखाता और तुम डायरेक्ट बीडीसी पढ़ते ना तो तुम्हें इसके रिलेशन याद ही नहीं होते यार। लेकिन मैंने क्या, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। तो मेल में अपन देखें, मेल में क्या है, मेम्ब्रेन्स ऑफ यूरेथ्रा एंड बल्ब्स ऑफ पेनिस। वहीं फीमेल में अपन देखें तो इसके इंटीरियर में ये क्या है, ये अपने वजाइना। तो फीमेल में आपका होता है लोअर एंड ऑफ वजाइना। फिर अपन पोस्टीरियर वाले पार्ट में आए तो दोनों सेक्स में, पोस्टीरियर में क्या है, ये आप किस बोन को क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉक्सिक बोन। तो दोनों में क्या है, पीछे आपका है टिप ऑफ कॉक्सिक बोन, और ये आपको लिगामेंट दिख रहा होगा, इस लिगामेंट को अपन बोलते हैं एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। तो दोनों सेक्सेस में पोस्टीरियर रिलेशन कौन बना रहा है, टिप ऑफ कॉक्सिक बोन और एनोकॉक्सिजियल लिगामेंट। देन इसके लेटरल में दोनों साइड में क्या प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है इशियो एनाल फोसा। तो सारा मैंने आपको इसके बता दिए रिलेशन। देन अब अपन इसके आते हैं इसके इंटरनल फीचर में। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला अपर पार्ट, जो इसका अपर पार्ट है वो किससे लाइन है आपका, वो है आपका कोरोनर एपिथिलियम से लाइन है। देन इसमें क्या 6 से 10 वर्टिकल रिज हैं, उसको बोलेंगे एनाल कॉलम, ये जो आपको दिख रहे हैं। और ये क्या, जिस सीक्वेंस में मेरे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उसी सीक्वेंस में आपको यूनिवर्सिटी में भी लिख के आना है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, मैं जो पढ़ाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेके रहो और फिर उसको डायरेक्ट तुम यूनिवर्सिटी में लेके आ जाना। आप क्या, स्क्रीनशॉट में अगर अच्छी क्वालिटी नहीं आती ना तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैंने क्या अलग से पेज बना के रखा है मेरा दीज हॉरी नोट्स का,
वहाँ पे मैं सारे इसके HD में नोट्स डालता हूँ, तुम क्या वहाँ से डायरेक्ट इसके नोट्स भी ले सकते हो, तो क्या मतलब बिल्कुल तुम्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फर्स्ट ईयर में बिल्कुल। उसके बाद अपन देखें लोअर, तो लोअर एंड जो है एनाल कॉलम का वो यूनाइटेड हो जाते हैं ट्रांसवर्स, और लोअर पार्ट जो है एनाल कॉलम का वो यूनाइटेड हो जाते हैं अपने शॉर्ट ट्रांसवर्स फोर्स है, अपन बोलेंगे उसको एनाल कॉलम, ये जो आपको दिख रहे हैं। देन उसके अंदर जो है डिप्रेशन है वॉल में, उसको क्या बोलते हैं एनाल साइनस। देन ये सारे के सारे एनाल वॉल जो हैं ये आपके एक ट्रांसवर्स लाइन बना रहे हैं, मैंने बताया था ना वो है पेक्टिनेट लाइन। और ये जो लाइन है ना यार, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कीवर्ड लाइन है, उसको क्या बिल्कुल स्टार मार्क बना लो, इसलिए मैंने लाल से लिखा है। इसका मतलब आपको उसको यूनिवर्सिटी में लिख के आना ही आना है। फिर मिडल पार्ट, मिडल पार्ट में क्या था कि नॉन कैरेटिनाइज सेकेंडरी एपिथेलियम से है, उसके अलावा इसमें कोई भी एनाल कॉलम नहीं दिखते। देन मैंने क्या बोला था, इसकी जो म्यूकोसा है वो हल्की सी ब्लूएस है अपीयरेंस में, क्यों, क्योंकि इसमें डेंस वीनस प्लेक्सिस है, वेन ब्लू कलर की होती है ना, तो क्या जो वेन्स का जो प्लेक्सिस है ना वो इसके नीचे प्रेजेंट है, इसलिए इसका हल्का सा ब्लूइश होता है अपीयरेंस। फिर अपन देखें ये वाला जो पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं पेक्टिन या फिर ट्रांजिशनल जोन, ये याद करना पड़ेगा। और जो लोअर पार्ट जो होता है ना अपना पेक्टिन का, उसको अपन बोलते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। और क्या यूनिवर्सिटी में भी जब पीजी और क्या होता है पीजी एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन पे, तो इसलिए तुम क्या इसे कंसेप्ट को अच्छे से याद कर लेना। देन लोअर मोस्ट पार्ट की अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखें, वो क्या है कि वो ट्रू स्किन से लाइन है, और उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड भी होते हैं। तो अपन देखते हैं आर्टरी सप्लाई हो रहा है, आर्टरी सप्लाई अगर तुम BDC में देखते ना तो बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए क्या करा इसको बिल्कुल फ्लो चार्ट में ले आया कि तुम्हें सारी आर्टरी उसकी ब्रांच बिल्कुल फ्लो चार्ट में अच्छे से याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ मैंने रेक्टम का एक छोटा सा डायग्राम बनाया, उसमें यह है आपकी पेक्टिनेट लाइन, ये मैंने बताई थी ना ये वाली पेक्टिनेट लाइन। अब क्या होता है इस पेक्टिनेट लाइन के ऊपर आपकी आर्टरी सप्लाई होगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, और उसके नीचे आपकी आर्टरी सप्लाई होगी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। तो जैसा मैंने तुम्हें क्या समझाने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो पेक्टिनल लाइन के अबव सप्लाई होगा सुपीरियर रेक्टल वेन से, और उसके बिलो सप्लाई होगा इन्फीरियर रेक्टल वेन से, है ना। सिमिलरली वेन में भी अपन देखें तो अगर आप इन सारी वेन्स के नाम भी लिखोगे ना तो आपका आधा पैराग्राफ तो बन ही जाएगा, इसलिए मैंने समझाने के फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो यहाँ वेन जो वेन सप्लाई जो होती है यहाँ पर, वो आपकी तीन वेन के कारण होगी, दो तो आपके प्लेक्सिस ही हैं, एक है आपका इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस, दूसरा है एक्सटर्नल रेक्टल प्लेक्सिस, और इन दोनों प्लेक्सिस को आपको जोड़ रहा है एनाल वेन। तो सबसे पहले अगर अपन देखें जो इंटरनल रेक्टल प्लेक्सिस जो है वो सारा अपना ब्लड लेगा और किस में आपका ड्रेन करेगा, आपका करेगा सुपीरियर रेक्टल वेन में। देन सुपीरियर रेक्टल वेन किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो है आपका इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन की। देन इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन आपका देगा स्प्लेनिक वेन में, देन स्प्लेनिक वेन आपका पोर्टल वेन में। तो बड़ा इजी है यार, इसको मैंने फ्लो चार्ट में करा ना तो बड़ा इजीली तुम समझ में आ रहा होगा। अगर मैं उसको नीचे से आपको दिखाऊं तो पोर्टल वेन की ट्रिब्यूटरी क्या होती है, स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन किसकी है, आपके इन्फीरियर मेसेंट्रिक। इन्फीरियर मेसेंट्रिक पे आपको सुपीरियर रेक्टल, देन सुपीरियर रेक्टल क्या बना लेगा आपका डायरेक्ट प्लेक्सिस, तो आपको इस फॉर्म में करना है। देन एक्सटर्नल रेक्टल वेन है, अब यहाँ पे क्या वो पोर्टल वेन से जुड़ रहा है, और ये आपको जुड़ेगा इन्फीरियर वीने कावा से। तो जो एनाल वेन जो है अपन ये भी कह सकते हैं, एनाल वेन क्या कर रही है आपका पोर्टल वेन और वीने कावा वेन के बीच में कम्युनिकेशन बना रही है, क्योंकि एनाल वेन आपका जोड़ती है इन्फीरियर रेक्टल और एक्सटर्नल रेक्टल वेन को। तो जो एक्सटर्नल रेक्टल वेन जो है वो आपका सारा वेन ड्रेन करेगा अपना इन्फीरियर रेक्टल वेन में। देन यहाँ पे था सुपीरियर रेक्टल वेन, यहाँ पे इन्फीरियर रेक्टल वेन। देन इन्फीरियर रेक्टल वेन आपका देता है इंटरनल पुडेंडल में, देन इंटरनल पुडेंडल आपका देगा इंटरनल इलियक में, देन इंटरनल इलियक आपका देगा कॉमन इलियक में, देन कॉमन इलियक से वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा इन्फीरियर वीने कावा में, और इन्फीरियर वीने कावा से होते हुए वो आपको पहुंच जाएगा राइट एट्रियम में। तो इस तरीके से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन ने देख लिया। ओके, देन अपन देखते हैं इसके नर्व सप्लाई पे, लास्ट पार्ट है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई में बिल्कुल सेम होता है कि जो पेक्टिनेट लाइन जो है उसके ऊपर आपका जो नर्व सप्लाई होता है वो आपका होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको समझना पड़ेगा यार अपन को, और इसके लिए क्या मैंने डिटेल में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो देख लो। क्योंकि अगर तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर है ना नर्वस सिस्टम के, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, तो आपको एब्डोमेन पेल्विस तो बिल्कुल इतना ईजिली समझ में आ जाता है कि आप मैं बता नहीं सकता, बहुत ईजिली समझ में आ जाता है वो। तो ना पेक्टिनल लाइन के ऊपर जो है ये वाला पार्ट,
ये पूरा आपका होता है वॉलेंट्री नहीं है, ये आपके कंट्रोल, ये पूरा जो होता है ये आपका होता है इनवॉलेंट्री, ये अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। और इनवॉलेंट्री मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन कौन आते हैं, आपका आता है सिंपेटिक एंड पैरापेटिक नर्वस सिस्टम, आपका आता है सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और एक पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। वहीं अगर अपन पैक्टिनेट लाइन के नीचे देखें तो पैक्टिनेट लाइन के नीचे आपका नर्व होता है सोमेटिक नर्व, और सोमेटिक नर्वस सिस्टम आपकी कैसी होती है, आपकी होती है वॉलेंट्री नर्व। मतलब अपन जो सेंट्रल नर्वस जो होता है अपना, अपना जो नर्वस सिस्टम जो होता है उसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा पेरिफेरल। फिर पेरिफेरल में दो आते हैं ना, एक होता है सोमेटिक और दूसरा ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक क्या होता है, पेक्टिन लाइन के ऊपर आपका सप्लाई हुआ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें दो है, उसके नीचे सोमेटिक। तो जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कौन सी नर्व करवाएगी, वो आएगी इन्फीरियर रेक्टल नर्व। तो इन्फीरियर रेक्टल नर्व आपकी पेक्टिनेट लाइन के नीचे आपका नर्व सप्लाई करती हैं, जो कि आपकी होती है सोमेटिक। फिर जो ऊपर है पेक्टिन लाइन के ऊपर आपका सप्लाई बाय सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वाया इन्फीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सेस, उससे निकलती हैं आपकी सिंपथेटिक नर्व जो कि इसके अपर पार्ट को सप्लाई करेगी। और पैरासिंपथेटिक जो है वो सप्लाई होती हैं आपकी पेल्विक स्प्लेनिक नर्व से। तो पूरा का पूरा मैंने आपको नर्वस सिस्टम बता दिया, देन अब मैं बताता हूँ उसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिख के आना है। यार कभी यूनिवर्सिटी में अगर आ गया ना, तो जिस सीक्वेंस में मैंने तुम्हें मेरे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं ना, तुम्हें उसी सीक्वेंस में पूरा लिख के आना है। पहले बिल्कुल हेडिंग में लिखना, पहले एनाल कैनाल की हेडिंग डालोगे, देन तुम इंट्रोडक्शन लिखना, फिर सारे पॉइंट, देन रिलेशन लिखना, देन सारे पॉइंट, देन इसके इन्फीरियर सर्फेस लिख के इसके सारे जितने भी पार्ट थे अपर मिडल एंड लोअर उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर तुम लिख देना। लेकिन अगर ये आपका यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आ रहा है कि आपको इन्फीरियर सर्फेस के बारे में समझाओ, अगर ये वेरी शॉर्ट में आता है ना ये वाला क्वेश्चन, तो आपको फालतू में इंट्रोडक्शन रिलेशन नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट इसकी हेडिंग डालना अपर मिडल एंड लोअर की, और इन सबके इंट्रोडक्शन आप इन सबके कैरेक्टरिस्टिक वाले पॉइंट लिख देना। लेकिन शॉर्ट नोट में आएगा तो आपको पूरा बाकायदे से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रिलेशन लिखना, देन इसके इन्फीरियर ऑफ एनाल कैनाल देखना किसके अंदर क्या है, फिर इसका तुम ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई दोनों आपको इसी फॉर्म में लिख के आना है। और हाँ, और आपको ये वाला डायग्राम और एक आपको इसके अंदर बना के आना है एनाल कैनाल में। अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को करो लाइक, मेरे चैनल को बिल्कुल कर लो यार सब्सक्राइब, क्योंकि सारे मैं डालने वाला हूँ आपको सारे के सारे एनाटॉमी के लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।